लेते हैं जिस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल और शनि का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके सप्तम भाव पर। दांपत्य जीवन में आपको एक विशेष उन्नति देखने को मिल सकती है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह के रिश्ते यहां पर तय हो सकते हैं, क्योंकि शनि को यहां पर सपोर्ट मिल गया मंगल का। हाँ, मनोनुकूल वर अथवा कन्या प्राप्ति में कुछ विलंब या कुछ दिक्कत की स्थिति जरूर आएगी। किसी अन्य के माध्यम से आपके जो विवाहिक जो संबंध है या वैवाहिक जो रिश्ते हैं उसको तनाव उत्पन्न करने की स्थिति बनती है। अपने आपसी प्रेम और अपने एक सामंजस्य बना करके दांपत्य जीवन और विवाह इत्यादि की स्थिति को आपको संपन्न कराने की आवश्यकता रहेगी। यही मंगल आपके प्रॉपर्टी भाव के स्वामी हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में संलग्न है, उसका आप व्यापार करते हैं, यह मंगल कोई एक बड़ी उपलब्धि निकाल करके आपको दिला सकता है। इन दोनों ही ग्रहों का संबंध जब सप्तम भाव पर है, इनकी दृष्टि पड़ती है एक घर आगे, जो कि आपके अपने राशि पर पड़ती है, सिंह राशि पर पड़ती है। मतलब यह समय एक ऐसा समय होगा कि मुझे शांत बैठना नहीं है, मुझे कुछ न कुछ कार्य करते रहने का यह समय होगा। शनि स्वयं एक आयु के प्रतीक माने गए हैं, आपके स्वयं राशि को देखेंगे अर्थात आयु यहां पर आपकी अच्छी बन जाती है। स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानियां भी चल रही हैं तो आप एक सेनापति के भांति उस कार्य को संपन्न करा पाते हैं। यह मंगल का सपोर्ट जो आपके अपने लग्न पर अपने राशि पर मिल रहा है, इसका सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। पंचम भाव देखते हैं भाई, संतान का स्थान होता है पंचम भाव। हमारे जीवन में हमारी बुद्धिमता, हमारे कार्य की संपन्नता को प्रदर्शित करता है पंचम भाव। इस भाव के स्वामी है देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके उच्च मित्र की राशि पर बैठे हैं भाग्य भाव पर। यहां पर संतान के उन्नति के लिए बहुत अच्छा हो गया, संतान के भाग्य उनको भी सपोर्ट करेंगे, उनके एजुकेशन उनके कैरियर में यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगा। पंचम भाव मेरे जीवन में शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है, वहां पर भी मुझे एक अच्छी विलासिता और एक अच्छी बढ़ोतरी का एक समय देखने को मिलेगा। ये आपका अप्रैल का महीना एक विशेष सफलता कारक और उन्नति कारक महीना होगा। इस बात को आप जानिएगा, इस बात को आप समझिएगा। ध्यान आपको रखना है मात्र 13 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम भाव पर रहेंगे जो आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं। उस समय तक मुझे स्वास्थ्य में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पूरा का पूरा ये अप्रैल का महीना आपके फेवर में रहेगा। भाग्य तो विशेष प्रबल रहेगा, आपको ऐसा जानना जरूर चाहिए, और उस हिसाब से जो तारीखें आपको बता रहे हैं उस तारीख को आप अपने नियंत्रण में रखिएगा। कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ तारीखें हैं इसको आप सुनिएगा। अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल, 14, 15, 18, 19, 20, 23 और 24 अप्रैल आपके लिए शुभ और सफलता कारक सिद्ध होगा। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें ध्यान और सतर्कता की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 7 अप्रैल, 8, 16, 17, 26 और 27 अप्रैल को हमें सतर्कता रखनी होगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करने हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके अपने कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मानिए ये महीना लाभ के दृष्टिकोण से, भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से बहुत सपोर्टिंग आपके साथ होने वाला है या फिर रहने वाला है। इसके बाद हम समझते हैं उस उपाय को, जिस उपाय के माध्यम से हम इस अप्रैल को बेहद शुभ और कल्याणकारी बना सकते हैं। सूर्य की आराधना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहद और सफलता कारक होगा। भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, उनको नमस्कार करना या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद सफलता और उन्नति कारक हो सकता है। अष्टम भाव पर सूर्य रहेंगे और यही सूर्य आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे, मतलब जीवन में परिवर्तन यदि कोई लाएगा, भाग्य में उन्नति कारक कोई ग्रह हो सकता है, वो हो सकते हैं भगवान सूर्य नारायण। उनका नाम, उनका सुमिरन जरूर कीजिएगा। आपके ये अप्रैल का महीना किसी विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण करा करके आपके जीवन में आपको दिला जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।